बेटा क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट देखिए। बी में दिया है आपको गिवन एंगल 30 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल गिवन है आपको। तो आपको पता है सम क्या होता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम जो गिवन एंगल है जो हमें दिए हुए इनका सम करके देखते हैं। अगर इनका सम 180 आता है तो इट कैन बी ऑफ अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। अगर नहीं, इट कैन नॉट बी ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं है। तो प्लस करके देखिए 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 30 और 120, 150, 150 में 30 प्लस करा तो आपका आया 180 डिग्री। तो तीनों एंगल को प्लस करा तो इसका सम कितना आया 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे द गिवन एंगल्स कैन बी ऑफ अ ट्रायंगल, कि जो हमें गिवन एंगल्स दिए हैं वो हमारा एक ट्रायंगल बना सकते हैं। एक ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।